तो देख सकते हो ये चल रहा है तराई काले खां पे काम। ये देखो ये RRTS बनाई जा रही है और इसके ये IT ऑफिस है। आपको बता दूं एयर कैप चमकने लगे ये पिलर, तो अभी इधर ही काम चल रहा है। और आपको बता दूं किस पिलर को स्टैंड किया जा रहा है, ये आपको बता दूं कि पिलर के ऊपर से ही स्ट्रक्चर को तैयार किया जाएगा, यानी कि जो इसका बायोडक्ट है वो बनाया जाएगा पिलर के ऊपर से ही। तो ये 12 पुल्ला को कुछ इस तरीके से क्रॉस करेगा दोस्तों। ये देख सकते हो तस्वीरें, और उस पर काम भी चल रहा है बीच वाले पिलर पे। ये पूरा 12 पुल्ला है देख सकते हो ये, तो दो पिलर उधर भी बन गए कंप्लीट से। ये हो दोस्तों देखो ये वर्क चल रहा है अभी RRTS का, तो कितना कुछ वर्क यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है वो आपको दिखाते हैं। कुछ ये वर्क चल रहा है देखो वहाँ पर भी है उस साइड में, वो देख सकते हो। ये देखो तस्वीरें, ये चल रहा है बस काम। तो ये अभी आधे पिलर बन के कम्प्लीट हो गए हैं और आधे बचे हैं, तो इधर ये स्टेशन बनाया जाएगा RRTS का, तो उधर ही चलते हैं और आपको दिखाते हैं चल के कि वहाँ पर कितना कुछ वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पर। देख सकते हो तस्वीरें, तो चलते हैं दिखाते हैं चल के उधर ही। ये तो है दोस्तों सराई काले खां बस अड्डा, इसको क्रॉस करेगी RRTS। ये देख सकते हो ये मशीनें लगी हुई हैं यहाँ पर, कुछ इस तरीके से चल रहा है वर्क। तो चलते हैं और आगे दिखाते हैं चल के आपको पूरा काम। तो चलेंगे हम फ्लाईओवर के ऊपर गए, तो यही वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पर पूरा, ये आपको आज दिखाएंगे क्लियर करके दोस्तों। तो हम चलेंगे इसके ऊपर, ऊपर चलेंगे ये देख सकते हो। कुछ ये वर्क चल रहा है यहाँ पे, तो इधर ये बनाया जा रहा है फ्लाईओवर देख सकते हो इधर तस्वीर है। तो इसका आपको बता दो रैंप बना लिया जा चुका है। दिल्ली के सराय काले खां पे जो भी अभी वर्क चल रहा है RRTS का दोस्तों, वो चल रहा है पिलर को स्टैंड करने का। अभी इस पिलर बनाए जा रहे हैं क्योंकि उनमें आधे तो पिलर बन के पहले ही कंप्लीट हो जाएगा, जो ऊपर के पिलर हैं वो अब इनको स्टैंड किया जा रहा है दोस्तों, लगाए जा रहे हैं। और जो प्लेटफॉर्म लेवल का जो आपको बता दूँ ये पिलर हैं वो कनेक्ट कर दिए जा चुके हैं, और इन पर देख सकते हैं गर्डर लॉन्चिंग अब की जा रही है और फिर उसके बाद में फ्लोरिंग किया जाएगा। तो ऐसे ही पूरे स्टेशन को किया जाएगा जो सराय काले खां में बनाया जा रहा है RRTS का दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो KP संत के चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो, जितने भी पिलर यहाँ पर सराय काले खां में बनाए जा रहे हैं वो सारे के सारे ऊपर का ही काम चल रहा है। इसको पिलर बनाए जा रहे हैं कहीं कहीं इन पर, आपको बता दूँ कि इस पर पियर कैप का काम चल रहा है, कहीं कहीं पिलर का फाउंडेशन बनाया जा रहा है, कहीं कहीं पिलर का फाउंडेशन बना दिया जा चुका है, उन पर रिंग लगाए जा रहे हैं और रिंग लग जाने के बाद में उनमें कंक्रीट भरा जा रहा है, और कहीं कहीं इस पर पियर कैप का काम चल रहा है इस सराय काले खां के स्टेशन पर दोस्तों। और जो कॉन्कोर्स लेवल का है उस पर भी अभी वर्क चल रहा है देख सकते हो, सेटरिंग लगी हुई है हर जगह, जिधर आप नज़र उठाकर देखोगे दोस्तों उधर ही आपको सेटरिंग नज़र आएगी, और सेटरिंग नज़र आने के बाद में उस पर सारे में फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है, गटर लॉन्चिंग की जा रही है फिर उस पर फ्लोरिंग किया जाएगा। तो अभी यही वर्क चल रहा है सराय काले खां दिल्ली के अंदर दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हो। और जो ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है दोस्तों, इसकी जो लागत है वो है 30,274 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। 82 किलोमीटर का ये रूट है मेरे प्यारे दोस्तों, और जिस पे ये रैपिड रेल दौड़ेगी वो 180 किलोमीटर रफ्तार से दौड़ेगी दोस्तों, पर 80 किलोमीटर की रफ्तार से जब दौड़ेगी दोस्तों तो एक सिटी से दूसरी सिटी की कनेक्टिविटी कितनी फास्ट होगी
आप समझ सकते हैं दोस्तों, अभी मेरठ से दिल्ली आने में दोस्तों 3 से 4 घंटे का वक्त लगता है, और जब ये RRTS बनके कंप्लीट हो जाएगी, जब इस पर रैपिड रेल दौड़ने लगेगी दोस्तों, तब ये 45 से 60 मिनट का ये रास्ता हो जाएगा दोस्तों। आप लगा लो क्या, आपको बता दूं कि जो हरिद्वार से आने वाले, मुजफ्फरनगर से आने वाले, इनको, इन लोगों के लिए भाई साहब अब 1 घंटे में दिल्ली आ सकते हैं और अपना सामान जो भी है जैसा भी है ला सकते हैं, ले जा सकते हैं, और जो यहाँ पर जॉब करते हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है दोस्तों। देख सकते हैं सारे में कौन कौन से लेवल के अभी इस पर पिलर बनाए जा रहे हैं और प्लेटफॉर्म लेवल के भी इस पर पिलर बनाए जा रहे हैं। तो ये कौन कौन से लेवल के पिलर देख सकते हो, ये बनाए जा रहे हैं, कनेक्ट किया जा रहा है एक पिलर से दूसरे पिलर को। तो इसमें भी अभी इसमें कंक्रीट भर के और इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो इधर तो देख सकते हो कौन कौन से लेवल के पहले ही बना लिए जा चुके थे, प्लेटफॉर्म लेवल के अब बनाए जा रहे हैं, देख सकते हो सेटिंग लगा दी है इन्होंने, और अब इसमें कंक्रीट भर के ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर इन पर गटर लॉन्चिंग होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग बताना कि केपी संत द्वारा वीडियोस कैसे लगते हैं आप सभी के बीच में दोस्तों, अच्छे लगे हो फिर भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं दोस्तों, और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा केपी संत चैनल को सपोर्ट करो मेरे प्यारे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्ती यारे में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो हमारे वीडियोज़ को, ताकि आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे मैं वीडियोस बनाकर दे सकूं दोस्तों, और अच्छे से अच्छे कैमरे के साथ में, ड्रोन के साथ में भी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे दोस्तों तभी ये सब कुछ हो पाएगा। तो मेरी यही गुजारिश है आप सब से कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, कि मैं चाहता हूं कि आप लोगों के बीच में इस सन 2023 के भीतर भीतर मैं आप लोगों को 101 वीडियो बना कर देता रहूं दोस्तों, और क्वालिटी के साथ में दोस्तों। तो ये जो वीडियो आएगा दोस्तों इसमें क्वालिटी बताना कि थोड़ी बहुत तो इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई है, वो आप लोग नीचे हमें ज़रूर कमेंट करके बता देना मेरे प्यारे दोस्त। देख सकते हो अभी यहाँ पर फाउंडेशन बनाने का काम चल रहा है दोस्तों, कहीं कहीं फाउंडेशन बन गया, इधर की साइड में ये फाउंडेशन का पिलर कंप्लीट हो गया, फाउंडेशन बन गया, पिलर स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, उसमें रिंग भी लगा दिए जा चुके हैं, और इसमें अब कंक्रीट भर दिया जाएगा, और जो उस साइड में है दोस्तों निजामुद्दीन रेलवे साइड में उधर भी बनाए जा रहे हैं, देख सकते हो तस्वीरें, इधर सारे पिलर इस कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सारे पिलर स्टैंड किए जा रहे हैं, उसमें देख सकते हो सेटिंग लगी हुई है दोस्तों। आधे पिलर दोस्तों पहले ही बन के कम्प्लीट हो गए थे, आधे पिलर अब बनाए जा रहे हैं, देख सकते हो सेटिंग लगी हुई है, और इन पर इनका जो वो है कंक्रीट इसमें भर दिया जा चुका है, बस इनको एक पिलर से दूसरे पिलर को जोड़ा जाएगा दोस्तों, यानी कि इसमें बीम डाला जाएगा, और बीम डालने के बाद में देख सकते कौन कौन से लेवल भी कंप्लीट हो जाएगा, उस पर फ्लोरिंग किया जाएगा, और फिर प्लेटफॉर्म लेवल भी इसी तरीके से जोड़ा जाएगा दोस्तों। और आपको बता दूं कि दूसरी साइड में ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, तो आप लोगों को वो भी आपको कंस्ट्रक्शन दिखाएंगे कि फ्लाईओवर पे कितना कुछ वर्क हो गया, क्या क्या बन गया है, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। पहले इधर देख लो, ये पहला RRTS देख लो, रैपिड रेल का कंस्ट्रक्शन देख लो, और ये आपको बता दो बेस्ट एंड बंडर पार्क है वो लास्ट में, देख सकते हो वो क्रेन मशीन चमक रही बिल्कुल लास्ट में, आयरन ब्रिज है उसके सामने से ही है, आपको बता दो बेस्ट एंड बंडर पार्क को भी आधा ख़त्म कर दिया जा चुका है दोस्तों, जिसका राजनाथ सिंह ने सन 2019 में इसका मुहूर्त किया था, मतलब 7 अजूबा आए हैं उसमें, तो देख सकते हो तस्वीरें ये बनाया जा रहा है। इधर तो अभी आपको बता दो कि इधर आधे पिलर तो बन चुके हैं, बन रहे हैं, और कुछ पे अभी जो पिलर बन गए हैं नीचे पाइलिंग हो चुका है, पाइलिंग हो जाने के बाद में उन पर फाउंडेशन का काम किया जा रहा है, कुछ पिलर बन गए हैं, कुछ पिलर का फाउंडेशन बनाया जा रहा है, तस्वीरें देख सकते हो इधर बेस्ट ऑफ अंडर पार्क की साइड में दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हो। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। देख
अब देख सकते हो दूसरी साइड में ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है दोस्तों। ये तो जब दिल्ली के साइड से हम आएंगे तब के लिए हो जाएगा, और दूसरी साइड में ये जब हम गाजियाबाद की साइड से आएंगे यानी कि राजधानी के लिए हम जाएंगे बारापुल्ला की साइड में तब ये बनाया जा रहा है फ्लाईओवर। देख सकते हो तस्वीर है, तो आपको बता दें इसके दोनों साइड के रैंप तो आधे बन के बिल्कुल कंप्लीट सही हो गए थे, समझ लो आप जो पिलर थे वो भी बन चुके हैं। देखिए अब जो पिलर का जो मेन काम बचा वो बचा है पियर कैप बनाने का, और पियर कैप बन जाने के बाद में दोस्तों इस पे गटर लॉन्चिंग की जाएगी। गटर लॉन्चिंग हो जाने के बाद में फिर इस पे ये तस्वीर इसको ब्लैक टॉप किया जाएगा दोस्तों। तो अभी टाइम लगेगा इसमें, ये देखो दोस्तों काफी टाइम लग जाएगा। देख सकते हो सारे पिलर बन चुके हैं, कंप्लीट हो गए हैं बन के दोस्तों, बस इन पे आप पियर कैप का काम किया जाएगा। एक पिलर बिल्कुल लास्ट में बचा है, उस पर फाउंडेशन का काम किया जाना है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, आपको उधर ही लेके चलेंगे। तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा केपी संत द्वारा, अच्छा लगा हो फिर भी कमेंट करें, खराब लगा हो फिर भी कमेंट करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों, केपी संत लाता रहता है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। देख सकते हो तस्वीर, तो ये फाउंडेशन बनाया जा रहा है, जा चुका है, अब इसमें फ्लाईओवर का बस लास्ट पिलर बचा, देखो फाउंडेशन बन गया। इसमें देखो ये पिलर के स्ट्रक्चर के सरिया है वो रखे हुए हैं, और ये सरिया लग जाने के बाद में फिर इन पर रिंग रिंग लगाया जाएगा। रिंग लगाए जाने के बाद में नजारे यहां के मदद से ये बांध दिया जाएगा दोस्तों। ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है दूसरी इधर, और अब आप देख लो ये फाउंडेशन बन गया, बिल्कुल फाउंडेशन बन गया इन्होंने, और देखो पिलर के जो स्ट्रक्चर है वो सरिये को रख के वो सरिये लगाए जाएंगे, स्ट्रक्चर को फिर बना दिया जाएगा, फिर उसमें रिंग लगाया जाएगा, पियर कैप बनाया जाएगा, और पियर कैप बना दिया जाएगा दोस्तों। फिर इसमें गटर लॉन्चिंग कर दी जाएगी, इधर साइड में देख सकते हो ये रैंप बिल्कुल बन के कंप्लीट हो चुका है, और इन पर आपको बता दें रोड़ी बजरी भी डाल दी है एक लेयर दोस्तों, और ये सामने चल रहा है राइट टाइम पर सराय काले खामे आरआरटीएस का काम देख सकते हो इसमें। ये आप लोग बता रहे हो वीडियो कैसा लगा, इन्होंने अच्छा लगा हो फिर भी कमेंट कर दिया, लगा हो फिर भी कमेंट करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए रैंप पे लाइक शेयर कमेंट करें, सारा कुछ बन के ज्यादा दोस्तों कंप्लीट सही हो चुका है, ये रैंप बिल्कुल बन के कंप्लीट सही हो गया। आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा, सारा ये रैंप बन के क्लियर होने के बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तस्वीर आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हो, ये देखो इधर फ्लाईओवर भी बनाया जा रहा है, सराय काले खान है, पर उधर आरआरटीएस का तो स्टेशन बनाया ही जा रहा है। अब देख लो एक तो ये अंतरराज्य आईएसबीटी बस अड्डा भी है, दूसरा ये इसमें मेट्रो भी है, और इसमें अब रैपिड रेल भी हो जाएगी, और चौथा आपको बता दूं पता क्या है इस पे इंडियन रेलवे का स्टेशन भी है दोस्तों, जिसे बोलते हैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। तो देख सकते हो तस्वीर, आप यहाँ से हम निकलते हुए जा रहे हैं, खत्म हो जाए तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा आप सभी को, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करना ज्यादा से ज्यादा दोस्तों। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करो इस वीडियो को, चलिए नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियो देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो मैंने आप लोगों को सब कुछ दिखा दिया, देखो इधर ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है पीछे, और इधर ये सराय काले खां का आरआरटीएस का स्टेशन बनाया जा रहा है, देख सकते हो तस्वीर है अपनी आंखों से, देखो कुछ ये सीन है यहाँ का। तो आप लोग बताना वीडियो कैसा लगा, तो चलिए आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, तो चलिए मिलते हैं आपसे।